गुड मॉर्निंग. आज एसडीएमच्या लेक्चर मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. आपण कालच्या लेक्चरला फोर्थ युनिट स्टार्ट केला होता आणि फोर्थ युनिट मध्ये आपण सेल्फ परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएशन क्रायटेरिया तो स्टडी केला, म्हणजे की एरियाज आपण स्टडी केले. त्यानंतर आपण इव्हॅल्युएशन आणि कंट्रोलिंगची जी प्रोसेस आहे ती कशी चालते, किंवा सेल्फ परफॉर्मन्स जर आपल्याला कंट्रोल मध्ये ठेवायचं असेल तर आपण काय करू शकतो, काय प्रोव्हिजन आहेत, कुठल्या मेथड्स आहेत, कुठल्या स्टेप्स आहेत, त्याची प्रोसेस कशी आहे. कारण हा सगळा टॉपिक सेल्फ परफॉर्मन्सशी रिलेटेड आहे. इव्हॅल्युएशन कसं करायचं परफॉर्मन्स, त्यासाठी मेथड्स कुठल्या अप्लाय केल्या पाहिजे, त्याचा क्रायटेरिया काय असेल. आता क्रायटेरियामध्ये सेल्फ परफॉर्मन्स क्रायटेरिया जो आहे त्यामध्ये आपण की रिझल्ट एरिया स्टडी केलेला. आता आपल्याला ऍक्च्युली प्रॉफिटॅबिलिटी क्रायटेरिया काय सांगतो, के आर ए काय सांगतो, तर तोही त्याच सेल्स परफॉर्मन्स क्रायटेरियाचा इव्हॅल्युएशन क्रायटेरियाचा एक पार्ट आहे. की रिझल्ट एरिया आणि प्रॉफिटॅबिलिटी क्रायटेरिया म्हणजे तो एकच पार्ट आहे. पण कालच्या लेक्चरला 50% पार्ट स्टडी केला की कंपनीने ते एरियाज काय करायचे, डिफाईन करायचे की कुठल्या एरियामध्ये मी एफर्ट्स घेणार आहे आणि आउटपुट्स मला कसे अपेक्षित आहे. ओके ना. मग आता प्रॉफिटॅबिलिटी क्रायटेरिया काय सांगतो की इट इज वन ऑफ द के आर एस ऑर क्रायटेरिया फॉर असेसिंग सेल्स पर्सन्स परफॉर्मन्स. कारण सेल्स पर्सनचा परफॉर्मन्स बेटर असेल तरच मला प्रॉफिट मिळणार आहे. This measure of profitability expresses total gross margin generated by a salesperson as a ratio of total sales made by him during a particular period. म्हणजे मला प्रॉफिटॅबिलिटी कशी मेजर करता येईल, तर एका पर्टिक्युलर सेल्स पर्सनने एका पर्टिक्युलर टाइम पिरियड मध्ये कसा सेल्स परफॉर्मन्स दिला, त्याने टोटल सेल्स किती केले, त्यानुसार मी प्रॉफिटॅबिलिटी चेक करू शकतो किंवा मेजर करू शकतो. ओके ना. म्हणजे इथे अशा पद्धतीने तो एरिया डिफाईन होतो, प्रॉफिटॅबिलिटीचा एरिया कुठला आहे, की इथे मेजरमेंट कसे येणार, त्यासाठी टाइम पिरियड किती आहे, टोटल सेल्स किती झाला, सेल्स परफॉर्मन्सचा परफॉर्मन्स कसा आहे, सेल्स पर्सनचा परफॉर्मन्स कसा आहे, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर इच मेजर कस्टमर ऑर प्रोडक्ट हँडल बाय हिम. म्हणजे जे काही सेल्स पर्सन्स काम करणार आहेत, तर प्रॉफिटॅबिलिटी बघताना आपल्याला प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंट काय करावं लागेल, चेक करावं लागेल की कस्टमर त्यांचा मेजर कस्टमर कोण होता, प्रोडक्ट कुठला हँडल त्यांनी केला, बरोबर ना. ते कस्टमरचा टाईप पण इथे बघावं लागेल, प्लस त्यांनी प्रोडक्ट कुठले हँडल केलेले आहेत, त्यानुसार आपल्याला ती प्रॉफिटॅबिलिटी बघावी लागेल. कधी कधी काय होतं की पेरिशेबल प्रोडक्ट आहेत, समजा ती इन टाइम डिलिव्हरी मिळाली नाही, तर कधी कधी ते खराब होण्याचे चान्सेस असतात. मग अशा केसमध्ये हँडलिंग प्रोडक्ट कुठले केले तर पेरिशेबल टाईपचे, आणि कस्टमर कुठला होता, तर ह्यानुसार काय होतं की कस्टमर किती डिस्टन्सवर होता. आता फॉरेन मार्केटचा कस्टमर आहे, मला तिथपर्यंत जर तो डिलिव्हर नाही करता आला, डिलिव्हरी करण्यासाठी डिस्ट्रीब्युशनचे जे चॅनल्स आहेत ते प्रॉपर जर त्यांनी डिलिव्हरी दिली नाही, तरी सुद्धा त्या सेल्स पर्सनचा परफॉर्मन्स गडबड होऊ शकते. म्हणजे प्रॉफिटॅबिलिटी चेक करताना मला हे सगळं बघणं खूप गरजेचं आहे. टू मेक द सेल्स पर्सन मोर अवेअर अँड इन्वॉल्व इन प्रॉफिटॅबिलिटी. मतलब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अगर मुझे अचीव करनी है तो सेल्स पर्सन को बहुत अवेयर होना बहुत जरूरी है. मतलब कि अवेयरनेस उनके पास होना बहुत जरूरी है. अवेयरनेस किस चीज का फिर होना चाहिए, सेल्स पर्सन अवेयर है, मतलब सेल्स पर्सन को अवेयरनेस है मार्केट की नॉलेज के बारे में, कंपनी की पॉलिसी के बारे में, उनके टारगेट के बारे में, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में अवेयरनेस होना कि अगर मुझे वो टारगेट अचीव करना है तो मैं उस तरह से इफेक्टिव वर्क करूंगी, मैं अलर्ट रहूंगी, अवेयर रहूंगी, और उसके थ्रू मैं क्या करूंगी, अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूंगी. ओके ना. इट इज द आइडिया टू इक्विप देम विद एप्रोप्रिएट डेटा ऑन प्राइस कॉस्ट एंड मार्जिन्स. म्हणजे काय कि जो डेटा आहे, अप्रोप्रिएट डेटा आहे, तो रेडी ठेवावा लागेल मला ऑन प्राइस कॉस्ट अँड मार्जिन्स. म्हणजे इथे गुड आयडिया म्हणजे प्रॉफिटॅबिलिटीसाठी कुठल्या आयडियाज आहेत, तर तुमच्याकडे प्राइस रिलेटेड अवेअरनेस असलं पाहिजे, कॉस्ट रिलेटेड असलं पाहिजे, मार्जिन्स रिलेटेड असलं पाहिजे, कि मला नक्की ऍक्टिव्हिटी काय करायची आहे, मला कशा पद्धतीने मी सक्सेस मध्ये असू शकेन. येताना लक्षात येते की मला सक्सेस अचीव करायचं आहे, तर ते सक्सेस कशाशी रिलेटेड आहे, डिपेंड कशावर आहे, माझ्या
प्रोडक्टची कॉस्ट किती आहे, त्याची प्राइस किती आहे, त्यासोबत मार्जिन किती आहे, आणि हे सगळं अप्रोप्रिएट नॉलेज डेटा जेव्हा तुमच्याकडे असेल तेव्हा तुम्ही प्रॉफिटेबिलिटीच्या बाबतीत काय करू शकता, परफॉर्मन्स चांगला देऊ शकता, प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करू शकता. ओके ना. कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव्ह अँड क्वालिटेटिव्ह क्रायटेरिया. आता कॉम्बिनेशन दिलंय बघा की कशा पद्धतीने कंबाईन केल्या जातात क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह क्रायटेरिया. आता KRS काय करतं की क्वांटिटेटिव्ह इंडिकेटर हेल्प टू अराव ऍट क्वांटिफिएबल रिझल्ट. दॅट मीन्स किती क्वांटिटी मध्ये तुम्हाला हे करायचंय. आता की रिझल्ट एरिया डिफाईन केला मग क्वांटिटेटिव्ह इंडिकेटर्स काय करतात की क्वांटिफिएबल रिझल्ट देतात. म्हणजे क्वांटिटी अँड क्वालिटेटिव्ह क्रायटेरिया आर ऑफन इंटर रिलेटेड. क्वालिटी कशी आहे, क्वांटिटी किती आहे, हे एकमेकांशी रिलेटेड आहे. सो इट इज इंटर रिलेटेड. क्वालिटेटिव्ह क्रायटेरिया रेंज फ्रॉम पर्सनल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स पीपल टू सी द मॅनेजमेंट. क्वालिटेटिव्ह क्रायटेरिया मध्ये काय दिलंय की सेल्स पीपलचे कॅरेक्टरिस्टिक, पर्सनल कॅरेक्टरिस्टिक होते. म्हणजे तो किती एबल आहे. ऍबिलिटीज आपण चेक केल्या का की सेल्स पीपल मध्ये कुठले स्किल्स असले पाहिजे, लिसनिंग असलं पाहिजे, कम्युनिकेशनची चेकलिस्ट आपण स्टडी केली SDM मध्ये. सो व्हेरियस क्वालिटेटिव्ह क्रायटेरिया कॅन बी क्लासिफाईड अंडर 4 A's. Now let's see which characteristics, which personal characteristics are involved in that process and in qualitative criteria. So personal characteristics mein kya aata hai, phir attitude aata hai, uska attitude positive hai, negative hai, kis tarah se baat karte hai, baat karne ka bhi ek andaaz rehta hai har kisi ka. Jaise ki hum log sochte hai na ki kabhi kabhi kisi ek person ke sath baat karne ke baad hai na bahut nervous feel karte hain hum log. Kyun nervous feel karte hain? Kyunki uska baat karne ka tarika hi waisa hai. Abhi main ek example deti hu aapko ki customer ke sath jab sales people communicate karte hain na to communicate karte waqt kis tarah ka, agar aapka knowledge kis tarah ka hai dekho. कि हम लोग जब जनरली बातचीत करते किसी एक को आपने क्वेश्चन किया कि आपने खाना खाया तो सामने वाला दो तरह से आंसरिंग कर सकता है. एक तो नहीं नहीं खाया, या कोई बोलेगा कि अभी खाने वाला ही हूं, अभी खाना है. तो ये दो जो आंसर से उसमें डिफरेंस क्या है, एटीट्यूड किस तरह से समझ में आया कि जिसका निगेटिव एटीट्यूड है ना वो बोलेगा नहीं खाया. हर चीज में हम ना पहले बोलते, दैट मीन्स योर एटीट्यूड इज निगेटिव. बट हम लोग अगर वो कंडीशन नहीं भी है, आपने वो अचीवमेंट नहीं ली है, वो प्रोसेस आपकी कंप्लीट भी नहीं हुई है, तो भी आप क्या बता रहे हो, अभी खाने वाला ही हूं. तो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है कि मैं खाना खाऊंगा, नहीं खाया ऐसा मैं बोलूंगा नहीं. तो यहाँ से हमें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक समझना है. तो वैसे अगर कस्टमर सेल्स पीपल के साथ बात कर रहे हैं तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक चेक करते वक्त हमें समझ में आता है कि सामने वाला पूरा के पूरा निगेटिव अगर है ना तो इससे तो हमें परचेसिंग करना ही नहीं. ये प्रोडक्ट कौन सा भी हो, कितना भी बेनिफिशियल क्यों ना हो, हमें ये नहीं लेना है. इनिशिएटिव किस तरह से वो देता है, मतलब कि हर चीज में आपको, जैसे हम लोग बोलते ना स्टूडेंट को, हम लोग क्लास में कभी कभी पूछते कि प्रेजेंटेशन कौन बनाएगा, तो बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसे माइंड में रहता कि मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन झट से वो हाथ ऊपर नहीं करेंगे या नहीं बोलेंगे. तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर इनिशिएटिव नहीं है, आगे आने की उनकी कोशिश नहीं करते वो लोग. मतलब कि अगर कस्टमर पूछता है सेल्स पर्सन को कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग आपको किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि आपके, हम लोग आपको कंपनी का भी, मतलब जहाँ पे कस्टमर कंप्लेंट दर्ज की जाती है वहां का भी नंबर देते हैं, और मेरा भी आप नंबर रख लो. क्यों? क्योंकि अगर वो नंबर नहीं लग रहा है तो आप मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो. ये क्या है, इनिशिएटिव है, आपने प्रोवाइड किया कस्टमर के लिए, तो आसानी से वो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे सेल बढ़ेगा. क्रिएटिविटी है आपके अंदर, आप हर चीज में कुछ नई सोच रखते हो. जैसे कि COVID-19 है तो हम लोग बोलते जा रहे यार कुछ नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, घर में बैठना पड़ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे, तो ऐसा तो नहीं है.
जो क्रिएटिव माइंड के पर्सन है वो घर बैठे भी कुछ जो नॉलेज उनके पास नहीं वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत सारे बुक्स पढ़ चुके हैं, कुछ लोग टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज ले चुके हैं। मतलब हम अगर हर चीज में क्रिएटिव है तो हम लोग सिचुएशन अगर मार्केट की ठीक भी नहीं है, कस्टमर भी आपका सही से आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो भी आपके माइंड में कुछ नए आइडियाज आएंगे, नए तरीके से आप लोग उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अग्रेसिवनेस होना बहुत जरूरी है, हर चीज में अग्रेसिवनेस होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके ना, अग्रेसिवली मैं कोई बात अगर आपको बता रही हूँ, अग्रेसिवली बताना यानी कि बहुत जलापन म्हणतो की आग्रहाने एखाद्या गोष्टीचं अग्रेसिवली तुम्ही त्या गोष्टीसाठी काय करता की अग्रेशन ठेवता आणि आग्रह करता, आग्रह धरून असता की हे जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला हे बेनिफिट मिळणार आहे, अशा पद्धतीचे कॅरेक्टरिस्टिक तुमचे असते। नॉलेज म्हणजे काय की प्रोडक्ट बद्दल नॉलेज तुम्हाला असलं पाहिजे। आता नॉलेज तुम्हाला फिल्मी हॉलिवूड बॉलिवूडचं नॉलेज आहे ऍज अ सेल्स पर्सन, तर ते नॉलेज मला इथे उपयोगाचं नाही। तुम्ही जॉब कुठला करताय, मग तुमच्याकडे नॉलेज कुठल्या टाईपचं असलं पाहिजे की प्रोडक्ट कुठला आहे, मार्केटचं नॉलेज तुम्हाला किती आहे, जसं मार्केटमध्ये गेल्यावर कसं आपण मेथीची एक गड्डी विकत घ्यायची आहे, मी काय विचारलं कशी किलो दिली मेथी, म्हणजे काय झालं मार्केटचं मला काही झिरो नॉलेज आहे, कुठली गोष्ट केजी मध्ये घेतात कुठली गोष्ट कशामध्ये घेतात ह्याचं मला थोडंफार नॉलेज असेल तरच मी काय करू शकते की मार्केटमध्ये सर्वाइव्ह करू शकते। कंपनीच्या पॉलिसी बद्दल तुम्हाला माहिती पाहिजे की आता एक्झिस्टिंग पॉलिसी काय आहे, फ्युचर मध्ये कंपनी काय विचार करते, ह्या गोष्टीचं नॉलेज जर असेल तर मी काय करेल, अट्रॅक्ट करेल ना माझ्या कस्टमरला। म्हणजे क्वालिटेटिव्ह क्रायटेरिया जो आहे ज्याच्या थ्रू आपण काय करणार आहोत की अरे हा डिफाइन करणार आहोत, तर स्किल सुद्धा पाहिजे, सेलिंग स्किल तर असलंच पाहिजे। यू आर सेल्स पर्सन ऍट दॅट टाइम यू हॅव यू शुड बी नोटेड दॅट दिस स्किल इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू। सेलिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, आप बोलते ही नहीं हो कुछ, सामने जाके खड़े हो जाते हो, 2 मिनट तो आप उसको सामने वाले को देखते ही रहते हो, क्या फायदा है, किस तरह से वो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे पूरे। तो यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट भी आपका होना जरूरी है, प्लानिंग एबिलिटी किस तरह की आपकी, डिसीजन मेकिंग पावर किस तरह के है, टाइम मैनेजमेंट आप किस तरह का रखते हो। यूजिंग दिस क्राइटेरिया द क्वालिटेटिव असेसमेंट और इवैल्यूएशन इज डन थ्रू रेटिंग और आइदर 5-पॉइंट स्केल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन क्राइटेरिया मे प्रोड्यूस डिफरेंट आउटकम्स एंड रिकमेंडेड रिवॉर्ड और पनिशमेंट एंड रिमेडियल एक्शंस। तो इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, क्वालिटेटिव असेसमेंट करनी है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट करनी है 0.5 स्केल के थ्रू, और उसके थ्रू हमें कंबाइन करके इन दोनों क्राइटेरिया को हमें क्या करना है, आउटकम्स निकालने। आउटकम्स अगर अच्छे हैं तो हम क्या करेंगे, रिवॉर्डिंग सिस्टम रखेंगे, पनिशमेंट देंगे, अगर अच्छा नहीं है आपका परफॉर्मेंस तो हम कुछ रेमेडियल एक्शंस लेंगे कि आगे जाके वापस ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ऐसा अगर मुझे लग रहा है तो मैं क्या करूंगी, कुछ एक्शंस लूंगी, रिमेडियल एक्शंस यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजंस करूंगी कि जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम वापस होगा ही नहीं। ओके ना, नाउ लेट्स सी सेल्स परफॉर्मेंस रिव्यू। अभी रिव्यू लेना है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, रिविजन देते हैं ना एग्जाम से पहले, कभी कभी आपकी टेस्ट ली जाती है, अभी मेरा ये यूनिट हुआ, मुझे क्या करना है, आपका परफॉर्मेंस चेक करना है, आपने किस तरह से वीडियोस को देखा है या किस तरह से अंडरस्टैंड किया है उस नॉलेज को, तो रिव्यू लेना बहुत जरूरी रहता है। तो रिव्यू लेते वक्त क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स परफॉर्मेंस एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल शुड बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव सो दैट द इवैल्यूएशन प्रोसेस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ड्रॉबैक्स और शॉर्टफॉल्स इन द strategic formulation and implementation system and appropriate remedial corrective measures may be undertaken. So, ये review लेने के उन्होंने दो major ways बताए, evaluation process क्या करती है, तो identify करती है drawbacks and shortfalls है ना, जो कमियां आपके अंदर है strategy के अंदर है, तो implementation system में क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ corrective actions लेने पड़ेंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने दो वेज देखे हैं सेल्स रिव्यू के लिए, बाय द लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, बाय द टाइप ऑफ सेल, किस तरह का सेल हम कर रहे हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लेवल क्या है,
वो पता होना बहुत जरूरी है. जब भी हम रिव्यू लेते हैं तो रिव्यू लेने की ये दो वेज हमें यूज करना है. दैट मीन्स द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी नेशनल. लेवल किस तरह की होनी चाहिए, अगर नेशनल है, रीजनल है, ब्रांच है उसके, तो टाइप ऑफ सेल कैन बी बाय प्रोडक्ट, कस्टमर एक्सेट्रा. इस तरह का सेल आप कर रहे हो ना, टाइप ऑफ सेल कैसा है कि लेवल क्या है आपकी, नेशनल लेवल का आप सेलिंग करते हो, रीजनल लेवल में सेलिंग कर रहे हो, ब्रांच लेवल में सेलिंग कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट और कस्टमर के साथ क्या होगा, कॉन्टेक्ट आएगा, उनको सेल किया जाएगा. टोटल सेल्स एट द नेशनल लेवल ऑफन काउंसिल द प्रॉब्लेम एरियाज. आता नॅशनल लेवलला जे सेलिंग केलं गेलं त्यामध्ये तुम्हाला जे काही प्रॉब्लेम फेस करावे लागले ते लपवले जाते. फॉर एक्झाम्पल, इन सम रिजन सेल्स मे बी व्हेरी गुड. नॅशनल लेवलचं तुम्ही सेलिंग करताय त्यावेळी काही एरिया किंवा काही रिजन असा असेल की जिथे सेल्स खूप चांगल्या पद्धतीने होईल, काही रिजन असा असेल की तिथे जास्त चांगला परफॉर्मन्स तुम्हाला देता येणार नाही. काही पर्टिक्युलर टेरिटोरीज आहेत, आता त्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलंय की त्या टेरिटोरीज मध्ये कमी होईल तुमचा लॅगिंग इन परफॉर्मन्स, अँड सिमिलरली पर्टिक्युलर प्रोडक्ट्स ऑर ब्रँड्स मे बी परफॉर्मिंग वेल. म्हणजे काही प्रोडक्ट्स एखाद्या टेरिटोरीमध्ये खूप जास्त चालतील आणि काही एरियामध्ये ते चालणार नाहीत. मग ह्या गोष्टी जर लपवल्या तर तुम्हाला जे काही तुम्ही परफॉर्मन्स रिव्ह्यू करताय, सेल्स परफॉर्मन्स रिव्ह्यू, तर त्यामध्ये कसं समजणार की नक्की परफॉर्मन्स कसा होता. सो देअरफॉर डिटेल सेल्स रिव्ह्यू बाय लेवल ऑफ ऑपरेशन अँड टाइप ऑफ सेल मेक्स द सेल्स रिव्ह्यू प्रोसेस मोर कम्प्लीट ऑर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह. म्हणजे जर तुम्हाला प्रॉपर रिव्ह्यू घ्यायचा असेल तर तुमच्याकडे डिटेल्स असले पाहिजे. म्हणजे लेवल कुठली आहे, ऑपरेशन लेवल त्या ऑर्गनायझेशनची काय होती आणि त्याचा सेल्सचा टाईप कसा होता, त्यानुसार मी काय करेल. की आता सपोज सीझनल प्रोडक्ट आहेत काही पर्टिक्युलर टाइम पिरियड साठीच त्या ऑफर्स असतात, मग त्यामध्ये तुमचा परफॉर्मन्स कसा होता. किंवा जे डेली सेल होणारे प्रोडक्ट्स आहेत, रुटीन प्रोडक्ट्स आहेत, म्हणजे इथे टाईप आणि ऑपरेशन समजलं की मग मला काय करता येतं की त्या सेल्स परफॉर्मन्सचा रिव्ह्यू घेता येतो. बरोबर ना, की कशा पद्धतीने काम सुरू आहे. देर आर टू टाइप्स ऑफ पेमेंट टर्म्स, कॅश अँड क्रेडिट. आता पेमेंट टर्म्स कशा आहेत सेल्स परफॉर्मन्स रिव्ह्यू घेताना. क्रेडिट सेल इज क्वाइट कॉमन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को जब भी हम सेल करेंगे तो वहां पे क्रेडिट सेल रहता है, मतलब कि क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर के लिए या इंडस्ट्री के लिए. क्रेडिट सेल ऑल्सो टेक्स प्लेस इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. तो कंज्यूमर के लिए जो प्रोडक्ट्स रहेंगे उसमें भी क्रेडिट सेल होता है. इन एफएमसीजी मैन्युफैक्चरर्स में एक्सटेंड क्रेडिट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स ऑल्सो. मतलब कि एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स है, स्मॉल क्वांटिटी में जो अवेलेबल होने वाले प्रोडक्ट्स है, तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को और होलसेलर्स को क्या किया जाता है, क्रेडिट टर्म दी जाती है कि उस तरह से हम पेमेंट करेंगे. ऑल क्रेडिट सेल्स हैव सम रिस्क. क्यों है क्रेडिट में, अगर आपको अगर पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा, पेमेंट और डिफॉल्ट सीट अफेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी. मतलब कि अगर पेमेंट इन टाइम नहीं मिल रहा, कुछ डिफॉल्ट सिस्टम है, तो इसका अफेक्ट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे होगा. इफ देयर आर डिलेज इन रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट or default, it affects profitability. And non-realization of payment actually means that sale is not complete. Non-realization मतलब क्या है कि complete ही नहीं हो रहा आपका payment. एक साल हो गए, दो साल हो गए, आपने credit दिया है, उसके अंदर अगर आपका payment नहीं हो रहा है तो इसका मतलब selling complete ही नहीं हुआ है as per your plan. Okay ना, therefore sales analysis or review by payment term becomes important. मतलब यहाँ पे सेल्स एनालिसिस और रिव्यू बाय पेमेंट टर्म बिकम्स इम्पोर्टेंट. पेमेंट टर्म पे टर्म के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपको पेमेंट किस तरह से मिल रहा है, आपका पेमेंट करने का जो तरीका है, टाइप है, वो भी देखना जरूरी है. सेल्स एनालिसिस में करूंगी, रिव्यू करूंगी सेल्स परफॉर्मेंस को, तो परफॉर्मेंस तो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है ना कि आपका पेमेंट रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. अगर वो नहीं मिल रहा है तो सेल्स कम्प्लीट ही नहीं हुआ है. ओके ना, सो ये प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सब हम लोग देख रहे हैं. इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स परफॉर्मेंस कैन बी डन अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क्स. अभी इवैल्यूएशन करना है सेल्स परफॉर्मेंस का, तो उसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि किस तरह का परफॉर्मेंस है तो किस तरह से हमें
ग्रेड मिलेगा कि अच्छा है नहीं है, तो ये सारे कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी में भी मेड इन फोर डिफरेंट वेज और फॉर्म्स विद डिफरेंट बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन किस तरह से किया जाएगा, एक्चुअल सेल्स इन रिलेशन टू टारगेट। मेरा टारगेट इतना था, आपने एक्चुअल इतना सेल किया, तो आपका परफॉर्मेंस कैसा है। सेल्स ग्रोथ रिलेटिव टू द लास्ट ईयर, अभी लास्ट ईयर में मेरा 50% तो सेलिंग हो रहा था, इस ईयर में भी अगर 50% का है तो फिर मेरी ग्रोथ हुई ही नहीं, ओके ना। सेल्स पर्सन कहता है कि ग्रोथ में है हम लोग, तो ग्रोथ में तो मैं लास्ट ईयर के साथ कंपेयर कर लूंगी, बेंचमार्क किया जाएगा। सेल्स ग्रोथ इन कंपेरिजन टू इंडस्ट्री ग्रोथ, अभी सेल्स ग्रोथ किस तरह की है कि कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री की ग्रोथ किस तरह से हो रही है, ओके ना। सेल्स लेवल कंपेयर टू दैट ऑफ मेजर कॉम्पिटिटर्स, आपका सेल्स लेवल किस स्टेप पे है, तो ये कंपेयर करने के लिए मैं मेरे कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचूंगी, उनका सेल्स लेवल क्या है, उनके साथ कंपेयर करूंगी, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मेरा लेवल करेक्ट है या नहीं है। कॉम्पिटिटर का सेल उसी मार्केट में कितना हो रहा है, 75%, मेरा 50% ही हो रहा है, तो कुछ तो कमियां मेरे प्रोसेस के अंदर है, स्ट्रेटेजी के अंदर है, प्लान के अंदर है, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं सही से परफॉर्मेंस को क्या करूंगी, इवैल्यूएशन करूंगी, और कंपैरिजन के बाद ही मुझे रिव्यू समझ में आएगा कि किस तरह की प्रोविजंस करनी चाहिए, किस तरह के करेक्टिव एक्शंस होना जरूरी है, रिमेडियल एक्शंस कौन से होना जरूरी है, ओके ना। सो सेल्स परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद आपका आता है सेल्स मैनेजमेंट ऑडिट, अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सेल्स मैनेजमेंट ऑडिट, ऑडिटिंग तो हमने सीखा है, वैसे भी हमें ऑडिटिंग क्या है ये तो पता ही है, लेकिन सेल्स मैनेजमेंट के अंदर जो ऑडिटिंग सिस्टम है, तो ये फाइनेंस जैसे सिस्टम नहीं है, तो फाइनेंस का जैसे ऑडिट किया जाता है ना, तो ये मैनेजमेंट ऑडिट है। तो सेल्स मैनेजमेंट ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक डायग्नोस्टिक एंड प्रिस्क्रिप्टिव टूल फॉर एनालाइजिंग रिव्यूइंग एंड कंट्रोलिंग सेल्स ऑपरेशंस और द सेल्स मैनेजमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट ऑडिट किस तरह से किया जाएगा, सिस्टमैटिक किया जाएगा। मैनेजमेंट के तो बहुत सारे फंक्शंस हमने स्टडी किए फर्स्ट ईयर से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कितना कुछ मैडम, तो सिस्टमैटिक होना जरूरी है सेल्स मैनेजमेंट ऑडिट। सेल्स मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशंस किए जाएंगे, तो वन बाय वन हमें जाना है कि पहला आपका ऑपरेशन क्या था, पहली एक्टिविटी क्या थी, उसमें आपको कितना सक्सेस मिला, उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी क्या की सेल्स मैनेजमेंट करते वक्त, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स हमने लिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू हमने उस चैनल पार्टनर्स को इन्वॉल्व कर लिया, उनके थ्रू हमें हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा उनका परफॉर्मेंस किस तरह का था, वीक अगर था तो उसके लिए हमने प्रोविजन क्या की, चैनल के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट थे तो हमने उसमें कौन सी चैनल रिजोल्यूशन कैसे किया, तो ऐसे कुछ टूल्स दिए जाएंगे, उस टूल्स को हम एनालाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे और कंट्रोल में करने की, कंट्रोलिंग सेल्स ऑपरेशंस और द सेल्स मैनेजमेंट प्रोसेस, दैट मींस इट इज कॉल्ड सेल्स मैनेजमेंट ऑडिट, ओके ना। इट दिस ऑडिट इज सिमिलर टू द मैनेजमेंट ऑडिट एंड डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ऑडिट और ऑडिट इन अकाउंटिंग सेल्स। तो ये अकाउंट रिलेटेड बिल्कुल ऑडिट वैसा नहीं है सेल्स मैनेजमेंट ऑडिट, ये किस तरह का है, मैनेजमेंट ऑडिट है ये। इन फाइनेंशियल और अकाउंटिंग ऑडिट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज चेक इन टर्म्स ऑफ कंपनी पॉलिसी। तो फाइनेंशियल ऑडिट किस तरह का होता है कि ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करती है कंपनी, कंपनी की कुछ पॉलिसीज रहती है, उसके हिसाब से वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो उसके अंदर देखा जाता है। That is not the purpose of management audit or sales management audit. The objective of sales management audit is to assess whether a firm's sales management process is adequate, to give direction for performance improvement and to recommend the needed changes. जैसे deviation हमने सीखे ना कि management audit के बाद अगर जो sales management का audit है उसका जो objective है, तो वो ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि फर्म सेल्स मैनेजमेंट प्रोसेस कितनी एडिक्वेट है वो देखना है। एडिक्वेट है मतलब कि वो प्रोसेस कितनी सही है, मतलब कि जो मैनेजमेंट आपने किया है वो परफेक्ट है कि नहीं, अगर नहीं है तो आपको डायरेक्शन दिया जाएगा ऑडिट के थ्रू
कुछ परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, और जहां पे चेंजेस की जरूरत है एज पर रिकमेंडेड द नीडेड चेंजेस, मतलब कि वो रिकमेंड करेंगे आपको कि कौन सी चीज में चेंज करने की जरूरत है। जैसे हमने देखा ना कि कभी कभी रियलिस्टिक अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रखती ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी तो भी वहां पे हमें चेंज करना पड़ता है, अगर परफॉर्मेंस बेटर नहीं आ रहा, आउटकम्स नहीं मिल रहे, तो इस तरह से ये सेल्स मैनेजमेंट ऑडिट किया जाएगा। सेल्स मैनेजमेंट ऑडिट शुड बी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अभी इसमें भी प्रोसेस दिए उन्होंने, जैसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है, एस्टेब्लिशिंग एंड प्लानिंग कोर्स ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट यू हैव टू एस्टेब्लिश एंड देन प्लान कोर्स ऑफ ऑपरेशंस। कितने ऑपरेशंस उसके अंदर होंगे? सेल्स मैनेजमेंट ऑडिट क्या करता है, पीरियोडिक बेसिस पे लिया जाता है, मंथली या क्वार्टरली? तो मंथली या क्वार्टरली है तो फिर उसमें प्लान किस तरह का रहेगा, मतलब कि कोर्स ऑफ एक्शंस कौन से रहेंगे, कोर्स ऑफ ऑपरेशन कौन सा रहेगा, डेविएशंस फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, यानी कि जो कोर्स है उसमें कौन से चेंजेस लाने, एनालाइजिंग रीजंस फॉर डेविएशन कि एनालिसिस किया जाएगा कि ये चेंजेस क्यों करने हैं, कोर्स करेक्शन किया जाएगा। सेल्स मैनेजमेंट ऑडिट जो भी काम कर रहा है उसमें स्टेप्स दिए हैं कि किस तरह से ऑडिट काम करेगा। तो सिंस ऑडिटिंग शुड बी ऑब्जेक्टिव और विदाउट बायस, इट शुड बी कैरिड आउट बाय सम टीम फ्रॉम आउटसाइड द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेल्स ऑडिटिंग का काम कौन करता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके लिए टीम बनाई जाती है जो आउटसाइड द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई और टीम आलोक यहाँ पे अपॉइंट की जाती है, लाइक द कारपोरेट प्लानिंग ग्रुप। इट कैन ऑल्सो बी एन एक्सटर्नल एजेंसी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस, मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है ये ऑडिटिंग की टीम, तो कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। सम मैनेजर्स ऑफ द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एसोसिएटेड विद द ऑडिटिंग प्रोसेस, मतलब यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स है वो लोग भी इस ऑडिटिंग प्रोसेस में क्या कर सकते, काम कर सकते, बट मोर एज अ प्रोवाइडर ऑफ सेल्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। म्हणजे प्रोवाइडर ऑफ सेल्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्ले अ पैसिव रोल, जो भी रिलेटेड सेल्स रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करती है यहाँ पे, पैसिव रोल करती है। मेनी कंपनीज डू नॉट कंडक्ट सेल्स मैनेजमेंट ऑडिट। ऑडिटला कोण टाळतो मला सांगा एकदा, ऑडिटिंग नको असं म्हणणारे कोणत्या कंपनीज असतील, ज्यांची प्रोसेस ऍज पर प्रिस्क्राइब काही स्टँडर्ड त्यांनी सेट केलेले नसतील, कंपनीच्या काही पॉलिसीज नसतील, जसा वारा येईल तसा ते फिरतात, म्हणजे काय मार्केटशी जरा मार्केटमध्ये त्यांना पाहिजे त्या पद्धतीने मनमानी करतात, काय ऑडिटिंग करणार आहे बरोबर ना, कधी रेट्स वाढवतात कधी कमी करतात, मग त्यांची अशी कुठली फिक्स पॉलिसीज नसेल तर कसं ऑडिटिंग केलं जाईल, त्यासाठी फिक्स तुमचं काहीतरी पर्टिक्युलर स्टँडर्ड मेंटेन करावं लागेल, त्यामध्ये तुम्हाला कोर्स ऑफ ऍक्शन स्टडी करावे लागतील, कोर्स करेक्शन करावे लागतील, बरोबर ना। इट शुड ऍक्च्युअली बी अंडरटेकन ऑन अ रेग्युलर बेसिस टू डायग्नोस एंड करेक्ट पोटेन्शियल, मतलब यहाँ पे हमें ये रेगुलर बेस पे करना बहुत जरूरी है। अगर इम्प्रूवमेंट करनी है, ग्रोथ करनी है, तो जो प्रॉब्लम्स है जो सिचुएशन के अंदर, तो अगर वो सीरियस है आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ये ऑडिटिंग क्या करता है कि हमें हेल्प करता है उसमें रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए, करेक्शन के लिए, यानी कि हमें अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है तो ऑडिटिंग की वजह से वीक पॉइंट समझ में आते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है ये सेल्स मैनेजमेंट ऑडिट करना। समझ में आ रहा है? अभी उन्होंने मेजरिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल परफॉर्मेंस इस तरह से बताया कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने स्टडी किया ना, उसका इफेक्टिवनेस देखना है, एफिशिएंसी देखनी है, प्रोडक्टिविटी देखनी है, इक्विटी देखनी है, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, तो चैनल को इस तरह से हमें मेजरमेंट्स उसके लेने हैं। तो ये पैरामीटर्स दिए उन्होंने, व्हाइल चैनल इफिशिएंसी एम्फसाइजेस कंट्रोलिंग कॉस्ट इनकर्ड बाय इंटरमीडिएट्स व्हाइल परफॉर्मिंग चैनल फंक्शंस। तो अभी इंटरमीडिएट किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि चैनल फंक्शंस करते वक्त
जो कॉस्ट आने वाली है उसको कंट्रोल करना है चैनल इफिशियंसी के थ्रू. तो चैनल प्रोडक्टिविटी इज कंसर्न विद मैक्सिमाइजिंग आउटपुट्स फॉर अ गिवन लेवल ऑफ इनपुट्स एंड चैनल इफेक्टिवनेस डील्स विद द इंटरमीडिएट्स फॉर एफिशिएंसी इन सैटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड चैनल इक्विटी मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेसिबिलिटी ऑफ द चैनल अमंग कस्टमर्स. तो हर चीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. हम लोग परफॉर्मेंस क्यों मेजर करते हैं? परफॉर्मेंस अच्छा रहा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का तो हमें क्या हो सकता है, आउटपुट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस ला सकते हैं. इंटरमीडियरी जो है उनका काम क्या है कि कस्टमर नीड्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है, चैनल इक्विटी मेजर करनी है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसिबिलिटी ऑफ द चैनल अमंग कस्टमर्स यानी कि असेसिबल कितनी है आपकी सर्विस, चैनल जो सर्विस प्रोवाइड करता है जब डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी एक प्रोडक्ट को तो वो असेसिबल होना बहुत जरूरी है कस्टमर के लिए. असेसिबल मतलब क्या है कि इजीली अवेलेबल होना बहुत जरूरी है. अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती है तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो सकता, उसके नीड्स कंप्लीट नहीं हो सकते. तो ऑब्वियसली आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनका परफॉर्मेंस मेजर करने लायक नहीं हो सकता. इज दैट क्लियर? ओके. सो तो इवैल्यूएटिंग चैनल्स, अभी इवैल्यूएशन करना है चैनल का, किस तरह से इवैल्यूएशन किया जाएगा देखो. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सेट स्टैंडर्ड टास्क एंड टारगेट्स. ये बहुत बार हो चुका है फिर भी मैं आपको एक बार और बताती हूँ कि इवैल्यूएशन करते वक्त चैनल का हमें सेट करने पड़ेंगे स्टैंडर्ड टास्क के ऊपर. क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कौन सा टास्क दिया था और वो किस तरह का काम कर रहे. अगर मैंने असाइनमेंट करने के लिए दिए, असाइनमेंट के अंदर आपने कुछ और ही काम कर दिया, होमवर्क तो दिया था, असाइनमेंट दी थी, कुछ और ही करके आपने क्या किया कि मुझे दिखा दिया मैडम मैंने तो काम कंप्लीट किया, उसमें आधा अधूरा ही है या वही काम है लेकिन इनकम्प्लीट है. तो उसके हिसाब से मुझे क्या करना है कि इवैल्यूएशन करना है, टारगेट्स देखने कि मेरे टारगेट्स कंपनी के क्या थे और इन लोगों ने क्या अचीव किया है चैनल्स में. टास्क एंड टारगेट्स कैन रेफर टू सेल्स वॉल्यूम और वैल्यू. सेल्स वॉल्यूम किस तरह की है आपकी, सेल्स वैल्यू किस तरह की है, तो उसका भी मुझे यहाँ पे क्या पता चलेगा, टास्क और टारगेट की वजह से पता चलेगा. चैनल इन्वेंटरी लेवल, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी ये भी हम मेजर कर सकते हैं इवैल्यूएशन के दौरान. इवैल्यूएशन नॉर्म्स और क्राइटेरिया आर यूजुअली डिसाइडेड एंड एग्रीड बिटवीन द कंपनी एंड पर्टिकुलर चैनल पार्टनर. तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या कहता है, इवैल्यूएशन के नॉर्म्स क्या है, आपने कौन से रूल्स रेगुलेशंस बनाए कि जो डिसाइड करते कि इट कैन बी डिसाइडेड एंड एग्रीड बिटवीन द कंपनी एंड अ पर्टिकुलर चैनल पार्टनर. कंपनी और चैनल पार्टनर दोनों के बीच जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के वक्त आप लोग कुछ डिसाइड कर लेते हो, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना लेते हो जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चैनल के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर सकते हैं और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये चैनल मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है. तो हम उसमें क्या करेंगे, फिर डेविएशंस कर सकते हैं यानी चेंजेस ला सकते हैं. ओके ना, इसके लिए इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, उसके लिए स्टैंडर्ड का सेट होना बहुत जरूरी है, उसके अंदर हम बेंचमार्किंग कर लेते हैं. Sternet have suggested 5 measures or criteria for evaluating performance. अभी Sternet ने कुछ और suggest किया है. Measurement के लिए उसने criteria बताया कि channel members का performance किस तरह से evaluate किया जाएगा. Effectiveness, efficiency and equity. अभी इन तीनों चीजों को हमें क्या करना है, study करना है. Effectiveness is assessed in terms of delivery and stimulation. Effect देखना है मुझे, delivery किस तरह की है. In time है, right time, right place, right customer. That means delivery is perfect. Effectiveness, effect है उनके काम के अंदर जो performance है उसमें effect है. Stimulation किस तरह का दे रहे हैं, किस तरह से वो encourage कर रहे हैं customer को. And efficiency is measured by productivity and profitability. प्रोडक्टिविटी किस तरह से, एज पर डिमांड अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चैनल मेंबर्स क्या कर रहे हैं कि मार्केट की डिमांड जिस तरह से इंक्रीज हो रही है उसी तरह से उसी स्पीड से हम सप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस उसमें एफिशिएंसी है. तो हम लोग मेजर कर सकते हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी को. तो एफिशिएंसी को अगर मेजर करना है
तो हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रोडक्टिविटी देखनी पड़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी। इफिशियंट मेरा चैनल काम कर रहा है तो शायद पॉसिबल है प्रॉफिट मिलना, नहीं तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके ना। सो उन्होंने एक डायग्राम दिए, देखो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के अंदर जो तीन चीजें हमें स्टडी करनी है, इफेक्टिवनेस देखना है, एफिशिएंसी देखनी है जो मैंने अभी बताया आपको, अभी इक्विटी भी देखनी है। यहाँ पे इवैल्यूएशन करते हो इफेक्टिवनेस के अंदर क्या आता है कि आपका इफेक्ट देखना है तो आपकी डिलीवरी किस तरह की है वो बताया मैंने आपको, स्टिमुलेशन कैसा है मतलब एनकरेज किस तरह से किया जाएगा, एफिशिएंसी चेक करनी है तो मुझे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करना पड़ेगा। अभी लेट्स सी द इक्विटी, व्हाट इज मीन बाय इक्विटी। इक्विटी मींस द एग्री टू व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सर्व मार्केट प्रॉब्लम मार्केट्स सेगमेंट सच एज डिस्टेंट और आइसोलेटेड कंज्यूमर पैकेट्स अलॉन्ग विथ नंबर नो नॉर्मल कंज्यूमर्स और मार्केट्स। Delivery shows the extent to which or how much channel members are able to meet the demand of consumers by ensuring time delivery of goods and stimulation assess the extent to which how the channel member will stimulate. So, यहाँ पे equity में क्या बताया कि it means the degree to which distribution channels serve problem markets. मतलब जो segments हैं ना हमने बनाए customer के one by one हम target कर लेते हैं तो उनके लिए जो हम प्रोविजन कर रहे हैं कि इस सेगमेंट के प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम उस तरह से हमें सॉल्व करने है, उनके लिए वही स्ट्रेटेजी यूज करनी है, कस्टमर की उस सेगमेंट के कस्टमर की नीड क्या है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का ये रोल है कि किस तरह से सर्व करना है कंज्यूमर पैकेट्स को या पॉकेट्स को या प्रॉब्लम को किस तरह से हमें फेस करना है, डिलीवरी किस तरह की देनी है, स्टिमुलेशन किस तरह का देना है। तो इक्विटी मीन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का रोल बताया कि किस तरह से हम इसमें इक्विटी ला सकते हैं, हर एक सेगमेंट पे किस तरह का फोकस हमारा होना चाहिए। सम ऑफ द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आर कंसीडर्ड एज शॉर्ट टर्म मेजर्स इंडिकेटर्स। अभी इवैल्यूएशन करते वक्त क्राइटेरिया जो रहता है ना शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, कभी कभी शॉर्ट टर्म या कुछ लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए रहता है। मतलब इवैल्यूएशन क्यों करना है, तो इवैल्यूएशन करने के बाद हमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करनी है। किसी प्लानिंग में अगर इम्प्रूवमेंट है या आपकी पॉलिसी के अंदर चेंजेस लाने तो फिर हम लोग शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का दो तरह का हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि रिजल्ट्स हमें किस तरह के मिलने चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी और यहाँ पे उन्होंने और एक चीज मेंशन की है, देखो प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी कैन बी मेजर्ड एनी टाइम। देखो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी शुड बी बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया। प्रोडक्टिविटी को अगर मेजर करना है तो हम शॉर्ट टर्म के लिए भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म। जैसे कि सीजनल प्रोडक्ट अगर है आपका, रेनी सीजन के लिए अगर आपने अम्ब्रेलाज को सेल कर रहे हो, एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, तो फिर ये शॉर्ट टर्म की प्रॉफिटेबिलिटी है। और लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया क्या है मेरा, कि मैं ईयरली प्रोडक्शन प्रोसेस में हूँ या फुल ईयर के लिए कोई प्रोडक्ट अगर बना रही हूँ, डेली यूज का प्रोडक्ट है, तो लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया भी मेरा प्रोडक्टिविटी का हो सकता है। प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी कैन बी मेजर्ड एनी टाइम इवन इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। देयर विल ऑल्सो बी अ लॉन्ग टर्म टारगेट्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन बोथ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में क्या है कि इम्प्रूवमेंट दोनों चीजों में करनी पड़ेगी। फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप मेजरमेंट्स ले रहे हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, या शॉर्ट टर्म के लिए तो शॉर्ट टर्म के लिए। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस में दो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बताए, इवैल्यूएशन प्रोसेस हैज टू ऑब्जेक्टिव्स, टू असेस द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ डिफरेंट चैनल मेंबर्स। इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या ऑब्जेक्ट रखती है कि क्या करना है मुझे, परफॉर्मेंस लेवल चेक करनी है डिफरेंट चैनल मेंबर्स की, distinguish between good and average performance, किसका performance good है किसका average है, उसमें क्या करना है कि channel members का performance level check करना है उसके अंदर। To use the evaluation system as a feedback process for continuous improvement. मेरा object क्या कहता है कि discussion के through, counseling के through या motivation के through मुझे फीडबैक लेने के बाद कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करनी है
जो भी सिस्टम है, मेरी चैनल मेंबर्स जो है काम करते हैं, उनका परफॉर्मेंस जो भी है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट करनी। तो नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल ऑफ चैनल, वो पेज थोड़ा लास्ट में गया तो हम लास्ट में वो टॉपिक लेंगे, बीच में ये इथिक्स इन सेल्स मैनेजमेंट है। कंट्रोल ऑफ चैनल हम सबसे लास्ट में लेंगे, ये इससे पहले का टॉपिक है, उसका लास्ट पॉइंट है। कंट्रोल ऑफ चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी है, पेज लास्ट में गया भी है तो हम लास्ट में लेंगे। इथिक्स इन सेल्स मैनेजमेंट स्टडी करेंगे, सेल्स मैनेजमेंट के अंदर एथिक्स का होना बहुत जरूरी है। एथिक्स अगर नहीं आप यूज कर रहे हो तो एथिकल डायलेमा अगर आपको पता नहीं है, फेयर ट्रीटमेंट किस तरह से कस्टमर को दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से उसके लिए पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स किस तरह के, तो सेल्स मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल इन एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेटिंग एंड एनफोर्सिंग। मतलब यहाँ पे सेल्स मैनेजर क्या काम करता है, कम्युनिकेटिंग एंड एनफोर्सिंग द इथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर सेल्स पीपल। तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं कि आपका परफॉर्मेंस किस तरह का होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड दिया। इथिकल डायलेमास आर फेस्ड बाय सेल्स मैनेजर इन कैरिंग आउट वेरियस सेल्स मैनेजमेंट टास्क, जस्ट लाइक गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर्स, प्राइसिंग डिसीजंस, हायरिंग सेल्स पर्सन, इवैल्यूएटिंग सेल्स पीपल। मतलब हर एक प्रोसेस जो है सेल्स मैनेजमेंट का, हर एक टास्क जो है उसके अंदर हमें किस तरह से एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो सेल्स मैनेजर क्या करेगा, यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर चीज के बारे में आपको एस्टेब्लिश करने है पहले वो स्टैंडर्ड्स, कम्युनिकेट करने हैं, एनफोर्सिंग द एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर देयर सेल्स पीपल। तो यहाँ पे आपको उसके लिए उनका माइंड रेडी करना है कि हमें ये अप्लाई करना है हर एक एक्टिविटी के अंदर। सेल्स पीपल शुड बी होनेस्ट इन देयर डीलिंग्स विद कस्टमर्स। अभी डील करते वक्त बहुत, अभी आपको आगे पता ही चलेगा कि अनइथिकली सेल किस तरह से किया जाता है। तो डीलिंग करते वक्त कस्टमर के साथ आपको रिलेवेंट लॉज के बारे में पता होना चाहिए कि बिजनेस में जो लॉज है, बिजनेस लॉ हमने सीखा ना फर्स्ट ईयर में, तो सिचुएशन किस तरह की है, हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो अनइथिकल बिहेव अगर है तो उसके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो एग्जैगरेटिंग फीचर्स एंड बेनिफिट्स, बहुत ज्यादा कुछ बोल लेते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है या जो हमारी कंपनी की पोजीशन है उससे भी ज्यादा कुछ और ही बोल देते हैं हम लोग। जो एक्स्ट्रा बोलने की हम लोगों को आदत रहती है ना कि इतना सा है तो इतना करके बताएंगे, अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं ना, वैसे अनइथिकल है ये। जो फीचर्स उसके अंदर है वही आप एक्सप्लेन करो, दैट इज इथिकल फॉर्मेट। उसके अंदर अनइथिकल के अंदर लाइज अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। आप लोग बोलोगे कि आपको कभी भी कौन से भी सीजन में प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता है, अवेलेबिलिटी के बारे में भी झूठी खबर आपने क्या कर दी फैला दी मार्केट में, तो आपने यहाँ पे भी झूठ मूठ का जो जो कंडीशन नहीं है, जो पोजिशन नहीं है आपके प्रोडक्ट के अंदर, वो आपने एक्सप्लेन कर दी। सर्विसेस आर अवेलेबल फॉर 24 आवर्स, बट ये सर्विस तो आपको इन टाइम भी नहीं मिल रही, तो शायद कस्टमर क्या हो सकता है यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो सकता है। तो ये अनइथिकल वे है। गिविंग फॉल्स आंसर्स टू क्वेश्चंस, अगर किसी कस्टमर ने पूछा कि इसका गारंटी वारंटी पीरियड कितने का है, सर्विस का किस तरह से आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते, तो उसमें भी आपने कुछ गलत आंसर्स दे दिए, फॉल्स आंसर्स टू क्वेश्चंस, फॉल्सिफाइंग प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स मतलब प्रोडक्ट के लिए आपने कुछ और ज्यादा ही बोल दिया, जिसके थ्रू क्या कर दिया, कस्टमर को कंफ्यूज कर दिया, अट्रैक्ट करने की कोशिश की। वो शॉर्ट टर्म के लिए अट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन एक बार आपकी प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करने के बाद रिपीट अगेन वो आपके प्रोडक्ट कभी परचेस नहीं करेगा। तो इसके लिए इसे अवॉइड करना है अनइथिकल सेल को, पासिंग ब्लेम फॉर देयर ओन मिस्टेक्स। आप लोग क्या करते हो, आपसे भी कोई मिस्टेक हुई ना तो कंपनी के ऊपर डाल देते हो कि ये प्रोडक्ट ऐसा क्यों है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ही उसमें ये डिफॉल्ट प्रोडक्ट है या कुछ है, तो ये आपकी वजह से अगर हुआ है तो भी आप कंपनी के ऊपर डाल देते हो, तो ऐसा भी अनइथिकल है। तो इसका बैड इम्पैक्ट हो सकता है कस्टमर के माइंड के ऊपर। मिस रिप्रेजेंट वारंटीज एंड गारंटीज, वारंटी गारंटी पीरियड भी कुछ एक्स्ट्रा ही बोल देते हैं कुछ लोग। मेकिंग नॉन बाइंडिंग ओरल प्रोमिसेस, जो कंपनी ने प्रोमिसेस दिए नहीं उस तरह के प्रोमिसेस आप कस्टमर को दे देते हो कंपनी के थ्रू,
वेंडिंग कंपनी रूल्स, यहाँ पे कंपनी के रूल्स तोड़े जाते हैं, सेलिंग डेंजरस और हजार्डस प्रोडक्ट्स। तो आप डेंजरस प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है, हार्मफुल बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या हुआ? अनएथिकल सेल हुआ, बिहेवियर अच्छा नहीं है। सेल्स मैनेजर हैव टू सेट सर्टेन कोड ऑफ इथिक्स, इसके लिए कोड ऑफ इथिकल कोड्स हमने स्टडी किए हैं, एसवाइफ से हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि बिजनेस के अंदर भी इथिक्स का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या हो सकता है कि एनवायरमेंट के लिए वो हार्मफुल हो सकता है, सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकता है, आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी सर्विस है, वो एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें बनानी है। तो इसमें कोड ऑफ इथिक्स जो बताते एक्सप्रेस द वैल्यूज ऑफ फर्म बाय स्पेसिफाइंग इन राइटिंग स्पेसिफिक बिहेवियर्स दैट आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट विद दोज वैल्यूज, मतलब इसके अंदर जो भी मॉरल वैल्यूज है तो कितने कंसिस्टेंट है, आपका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, स्पेसिफिक बिहेवियर यानी कि उसके अंदर कौन से मॉरल वैल्यूज का होना जरूरी है, ये सारी चीजें ये कोड ऑफ इथिक्स में आती है, जो कि सेल्स मैनेजर का रोल बनता है कि वो सेल्स पीपल के साथ कम्युनिकेट करे, उनको उनका माइंड उसके लिए सेट करे। ठीक है ना, यहाँ पे एथिक्स इन सेल्स मैनेजमेंट ये हमारा हुआ। कोड्स कौन से दिए, देर आर फोर बेसिक टाइप्स ऑफ इथिकल कोड्स। तो अभी जैसे हमने अनइथिकल कोड स्टडी किए ना, तो वैसे यहाँ पे इथिकल कोड्स कौन से है कि सेल्स पीपल का बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, तो कोड ऑफ बिहेवियर के अंदर ये एथिकल कोड्स है। कंपनी कोड्स दैट डिफाइन एथिकल बाउंड्रीज फॉर एम्प्लॉइज, बिहेवियर आपका एथिकल बाउंड्रीज का होना। आप लोग बोलोगे मैडम अगर मेरा बिहेवियर किसका पॉजिटिव है निगेटिव है जो भी है आपका बिहेवियर, तो उसके लिए भी बाउंड्रीज, जैसे हम लोग रहते तो उसके लिए तो बाउंड्रीज फिक्स है कि कौन से एरिया के रहने वाले, कौन से कंट्री से आप बिलोंग करते हो, लेकिन यहाँ पे बिहेवियर के लिए भी कंपनी कुछ कोड्स बता देगी जिसकी वजह से वो एम्प्लॉय के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती है कि आपका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए। प्रोफेशनल कोड्स आपको दिए जाएंगे, तो यहाँ पे एडवर्टाइजर्स जो है, मार्केटिंग रिसर्चर जो है, एडवर्टाइजिंग भी देने वाले कभी कभी मीडिया भी कुछ एक्स्ट्रा दिखा देता है या बैड मार्केटिंग कर देता है, तो भी इसका इम्पैक्ट आपके कंपनी पे हो सकता है, आपके प्रोडक्ट पे हो सकता है, आपके सर्विस पे हो सकता है। तो यहाँ पे इथिकल बाउंड्रीज का होना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से एडवर्टाइजर्स भी लिमिट्स में काम करेंगे या इथिकल कोड कंडक्ट इथिकल कोड को हम लोग क्या करेंगे ध्यान में रखते हुए एडवर्टाइज बनाएंगे। मार्केटिंग रिसर्चर्स का काम क्या है, रिसर्च करते वक्त कौन से कोड ध्यान में रखने, इथिकल कोड क्या कहता है, किसी की इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम लोग जाके जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना हैकर्स वगैरह जो काम करते हैं, तो ऐसे हैकर्स की तरह हमें रिसर्च नहीं करना है, तो हमें क्या करना है उसके लिए सर्वे करना है, उसके लिए इंटरनल टेक्निक्स अप्लाई करने हैं, उसके थ्रू हमें फीडबैक लेना है, उसके बाद मार्केट की इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ये एथिकल वे से जाना है, मतलब इसमें प्रोफेशनल कोर्स उन्होंने बताया। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से काम करेंगे, डॉक्टर्स लॉयर्स के लिए जैसे कुछ एथिकल कोर्स है, अकाउंटेंट्स है या कोई भी है, हर एक व्यक्ति के लिए जैसे कि जिसका प्रोफेशन जो है उस तरह से इथिकल कोड उसके लिए इथिकल बाउंड्रीज बनाए जाएंगे। ओके ना, बिजनेस एसोसिएशन कोड्स दैट डिफाइन इथिकल बाउंड्रीज फॉर पीपल एंगेज इन द सेम लाइंस ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस किस टाइप का उस तरह के कोड इथिकल बाउंड्रीज आपके लिए क्या है नेसेसरी है। एडवाइजरी ग्रुप कोड सजेस्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज और अदर स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, ईच इंडस्ट्री इज कंफ्रंटेड विद यूनिक इथिकल इश्यूज एंड मस्ट अडॉप्ट इट्स कोड टू मीट द सिचुएशन। हर एक इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ यूनिक कोड रहता है, यूनिक कोड सिस्टम। इथिकल इश्यूज किस टाइप के है, सोशल इश्यू है तो उस पर काम कर रही है आपकी कंपनी, तो उसके लिए आपका कोड किस तरह का होना चाहिए, इथिकल कोड किस तरह के होने चाहिए, ये सब क्या करेंगे कंपनी डिसाइड कर सकती है। इफ द सेल्स मैनेजर डज नॉट ट्रीट सेल्स पीपल होनेस्टली एंड फेयरली, सेल्स पीपल आर लाइकली टू हैव लो रिगार्ड फॉर इक्विटेबल एंड होनेस्ट ट्रीटमेंट फॉर कस्टमर्स, सप्लायर्स, चैनल पार्टनर्स और इवन कोवर्कर्स। सेल्स मैनेजर्स मस्ट थोरली नो एंड प्रैक्टिस द कंपनी कोड ऑफ एथिक्स। सेल्स मैनेजर को ही पता होना जरूरी है, उसके बाद सेल्स पीपल फॉलो कर सकते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉलो कर सकते हैं, चैनल पार्टनर्स को उस कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हम नॉलेज दे सकते हैं, कोवर्कर्स को दे सकते हैं। तो पहले सेल्स मैनेजर को उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी न्यू ट्रेंड्स देखते हैं, इसी के अंदर कौन से न्यू ट्रेंड्स है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के अंदर।
तो यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, सेलिंग करने के लिए, जैसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखना, तुमचा दृष्टिकोन कसा आहे? ग्लोबल आहे म्हणजेच काय, की सेल्स मॅनेजर जे काही सेलिंग करतात ते फॉरेन मार्केट मध्ये फॉरेन कॉम्पिटिशन पण ते काय करतात, फेस करतात. त्यामध्ये सांगितलं सेल्स मॅनेजर सेलिंग मोड्स आर ग्लोबल लेवल फेस चॅलेंजेस सच एज डिफरंट लँग्वेज. जसं की तुमचा दृष्टिकोन कसा आहे, तर ग्लोबल लेवलचा आहे म्हणजेच काय करता तुम्ही, की वेगवेगळ्या लँग्वेज असणारे कस्टमरला फेस करावं लागतं, त्यांचं कल्चर डिफरंट असेल, लाईफस्टाईल डिफरंट असेल, बाईंग रिक्वायरमेंट्स त्यांच्या वेगवेगळ्या असतील, निगोशिएशन स्टाईल डिफरंट असेल. म्हणजे हे सगळं काय आहे की अपॉर्च्युनिटीज आहेत. दे ऑल्सो कन्सिडर अपॉर्च्युनिटीज एज मेनी ग्लोबल मार्केट्स आर ग्रोविंग अँड इमर्जिंग रॅपिडली. तर इथे सेल मला ग्लोबली करायचं असेल तर मला काय करणं गरजेचं आहे, की कशा पद्धतीचं मार्केट मी हे केलं पाहिजे. तर त्यासाठी त्यांनी ग्लोबल निके मार्केटचं एक्झाम्पल दिलंय, की टू सेल ग्लोबली द कंपनी नीड नॉट बी लार्ज इवन स्मॉल अँड मिडियम साईज कंपनी. म्हणजे तुमची कंपनी कटला डायची, जसं आपण लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बघतो की नाही, तर तुमचा बिझनेस कुठल्याही लेवलचा असू दे, त्याची काही इथे म्हणजे ते पाहण्याची गरज नाही, की खूप मोठा बिझनेस आहे म्हणून तुम्ही फॉरेन मार्केट मध्ये जाताय असं काही नाही. मग त्याच्यासाठी तुम्ही निके मार्केट सारखे मार्केट सुद्धा, ग्लोबल मार्केट जे आहेत तिथे मिडियम साईज कंपनी असेल तरी सेल करू शकते, लार्ज साईज असेल तरी करू शकते. ओके ना, म्हणजे हा एक नवीन ट्रेंड आहे सेल्स आणि डिस्ट्रीब्युशन मॅनेजमेंटचा. सेल्स फोर्स डायव्हर्सिटी, द नीड एक्सपेक्टेशन मोटिवेशनल रोल विल बी डिफरंट फॉर वॅरिड सेल्स पर्सन. म्हणजे सेल्स पर्सन जे आहेत ते फार व्हरायटी सेल्स पर्सन तुमच्याकडे येतात. जसं आपण मागे बघितलं की नाही मागच्या लेक्चरला, की त्यांचा एक्सपिरियन्स किती, त्यांचं क्वालिफिकेशन कसं आहे, ते कुठल्या म्हणजे सोसायटीशी बिलॉंग करतात, म्हणजे सोशल बॅकग्राऊंड कसं आहे, तर त्यानुसार प्रत्येकाला वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला ट्रीटमेंट द्यावी लागते. मोटिवेशनल टूल वेगवेगळ्या पद्धतीचे यूज करावे लागतात. आणि ही सेल्स फोर्स डायव्हर्सिटी असल्यामुळे काय करावं लागतं, की मोटिवेशनचे प्रकार बदलतात. तर हा एक तुमचा नवीन ट्रेंड आहे, की प्रत्येकाला वेगवेगळ्या पद्धतीने ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करणार. आता थर्ड जो पार्ट आहे तो टेक्नॉलॉजी रिव्होल्युशन. टेक्नॉलॉजी रिव्होल्युशन म्हणजे काय, की डिजिटल मार्केटिंगमुळे काय काय बदल झालेले आहेत, किंवा मॅनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन सिस्टीम ही इन्क्रीज झाली, त्यामुळे कस्टमर कशा टाईपचा तुम्हाला अवेलेबल आहे, की मग त्याची कॅपॅबिलिटीज काय आहे, किंवा मार्केट ऑर्गनायझेशनच्या कॅपॅबिलिटीज काय आहे. टुडे द बायर गेन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इन्स्टंटली अँड प्लेस द ऑर्डर ऑनलाईन विद इन अ क्लिक बटन. दॅट मीन्स कस्टमर कसं आहे, की त्याला इन्स्टंट प्रोडक्ट झटकन हवेत, मग तो काय करतो की इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा वापर करून ते काय करतात, की मेल ऑर्डर करतात किंवा ऑर्डर प्लेस केली जाते ऑनलाईन, आणि त्याच्या थ्रू ते काय करतात, ते प्रोडक्टची इन्फॉर्मेशन घेतात. आणि त्याच पद्धतीने त्या कंपनीचाही काय रोल बनतो, की कंपनी ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मार्केट कॉम्पिटिटर्स प्रॉस्पेक्ट कस्टमर ऑनलाईन. दे कॅन क्रिएट देअर कंपनी वेबसाईट्स टू प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस. मग कंपनीचा रोल असा आहे की कंपनी सुद्धा त्यांच्या वेबसाईट तयार करेल. कस्टमर कशा टाईपचा आहे त्यानुसार हे जे टेक्नॉलॉजीचं रिव्होल्युशन आहे ते कसं होतं, तर त्यांच्या कंपनी रिलेटेड किंवा प्रोडक्ट रिलेटेड कुठली इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करायची असेल तर ती वेबसाईटच्या थ्रू प्रोव्हाइड केली जाते. मार्केटर्स कॅन कस्टमाइज प्रोडक्ट्स ऍज पर द कस्टमर्स नीड्स अँड एक्सपेक्टेशन. कस्टमरच्या नीड्स काय त्यानुसार तुम्ही काय करता, ही टेक्नॉलॉजी यूज करता आणि त्यांना इफिशियंट किंवा इफेक्टिव्ह सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करण्याचा प्रयत्न केला जातो. देअर कॅन बी टू वे कम्युनिकेशन ऑफ द कंपनी विथ द प्रॉस्पर कस्टमर्स इंटरमिडियरीज अँड सप्लायर्स. आता इथे तुम्हाला काय सांगितलंय बघा, टू वे कम्युनिकेशन कसं होतं, की प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स इंटरमिडियरीज अँड सप्लायर्स यांच्यामध्ये टू कॉम्पेट इफेक्टिवली द सेल्स मॅनेजर अँड सेल्स पीपल हॅव टू अडॉप्ट लॅटेस्ट टेक्नॉलॉजी. टेक्नॉलॉजी कॅन मेक द कॉस्ट इफेक्टिव्ह अँड इफिशियंट. टेक्नॉलॉजीचा वापर सगळ्याच याच्यामध्ये करावा लागतो. कम्युनिकेशन तुम्हाला बऱ्याच लोकांशी करावं लागतं, तुमचे इंटरमिडियरीज असतील, सप्लायर्स असतील, तर त्यासाठी ही टेक्नॉलॉजी तुम्हाला इफेक्टिव्हली काय करते, हेल्प करते. आणि कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे किंवा इफिशियंट आहे ही टेक्नॉलॉजी असं त्यांनी सांगितलं. हा एक नवीन ट्रेंड मार्केटमध्ये आहे सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन मॅनेजमेंटचा. ई कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट कसं आहे, आता
ई कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट म्हणजे काय की मार्केटिंग एनेबल्स द कस्टमर्स टू प्रोव्हाइड रिअल कस्टमर सर्व्हिस बाय फोकसिंग ऑन मीटिंग द इंडिव्हिज्युअल नीड्स ऑफ ईच व्हरायटी कस्टमर थ्रू द यूज ऑफ सीआरएम सॉफ्टवेअर पॅकेज. म्हणजे सीआरएम स्किल्स इथे यूज केले जातात, कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट इथे यूज केले जातात. अँड ते स्किल्स जे आहेत, सीआरएम स्किल रिक्वायर टू बिल्ड अ कस्टमर डेटाबेस अँड डुईंग डेटा मायनिंग टू डिटेक्ट ट्रेंड्स. ट्रेंड कुठले आहेत मार्केटचे ते स्टडी केले जातील, सेगमेंट कुठला आहे, कस्टमरची नीड कुठली आहे, तर त्या पद्धतीने कस्टमरला सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केल्या जातील. मेनी कंपनीज हॅव इनिशिएटेड सीआरएम प्रोग्राम्स. कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट जे आहे ते काय करतं, तर रिलेशन मेंटेन करण्यासाठी प्रोग्राम्स घेतले जातात. ते हेल्प ऑफ सॉफ्टवेअर इट इंटिग्रेट सेल्स, कस्टमर सर्व्हिस अँड मार्केट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम व्हेरियस सोर्सेस. इट प्रोव्हाइड्स अपडेट इन्फॉर्मेशन टू द एम्प्लॉईज. हे सीआरएम प्रोग्राम्स घेतले की तुम्हाला कंपनीची जी काही अपडेट न्यूज आहेत, अपडेट पॉलिसी आहे, अपडेट सर्व्हिसेस आहे, त्याच्याबद्दल सुद्धा इन्फॉर्मेशन इथे मिळणार आहे. टीम सेलिंग अप्रोच कसा आहे हा सुद्धा एक तुमचा नवीन ट्रेंड आहे. टीम सेलिंग अप्रोच मध्ये त्यांनी सांगितलं की इट इज यूज व्हेन द कंपनी वॉन्ट्स टू बिल्ड अ लॉंग टर्म रिलेशनशिप. तुम्हाला लॉंग टर्म रिलेशनशिप बनवायची कस्टमर सोबत, तर तुम्ही तुमची सेलिंग टीम कशा पद्धतीने काम करेल. सेलिंग टीम इन्क्लूड्स द मेंबर्स फ्रॉम द टॉप मॅनेजमेंट, टेक्निकल स्पेशलिस्ट, कस्टमर सर्व्हिस, इनसाइड पर्सन्स रिक्वायरमेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग विद इन ऑफिस अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ सेल्स पर्सन. म्हणजे ह्या ही सगळे जे काही पर्सन्स आहेत, तुमचे कस्टमर सर्व्हिस कशा पद्धतीने दिली जाते, कुठले स्पेशलिस्ट तुम्ही त्यासाठी युज केले, टॉप मॅनेजमेंटचे मेंबर्स कोण आहेत, त्या पद्धतीने ही एक टीम असते, काम करते सेलिंगच्या ह्याच्यामध्ये. इट रिक्वायर्स जॉईंट सेलिंग एफर्ट्स ऑफ सेव्हरल पर्सन्स अँड डिझायनिंग अँड इफेक्टिव्ह कॉम्पेन्सेशन प्लॅन फॉर बी चॅलेंजिंग टास्क. टीम वर्क करणं तर सेवढं सोपं नाही, कारण ऑल टीम मेंबर्सला एकत्रितपणे काम करणं, तो प्लॅन तयार करणं, तो डिझाईन करणं, प्लस त्यांना इफेक्टिव्ह कॉम्पेन्सेशन प्लॅन प्रोव्हाइड करणं. कॉम्पेन्सेशन प्लॅन आपण बघितले की नाही, की कॉम्पेन्सेशन प्लॅनच्या थ्रू काय केलं जातं की तुम्हाला एक्सेसिव्ह एक्स्ट्रा मनी कशा पद्धतीने अर्न करता येईल, तर त्या पद्धतीचे की प्लॅन्स तयार करते ही टीम. आणि त्यानुसार काय केलं जातं, हे चॅलेंजिंग आहे किंवा रिस्की आहे, चॅलेंजिंग टास्क आहे, तर हे टास्क टीम सेलिंग अप्रोच अशा पद्धतीने आपल्याला न्यू ट्रेंड आहे सेल्स अँड मॅनेजमेंट डिस्ट्रीब्युशन मॅनेजमेंट मध्ये. मॅनेजिंग मल्टी चॅनल्स असो, जे मार्केटिंग चॅनल्स आहेत तर ते काय करतात, एकापेक्षा अधिक सेगमेंट पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे मल्टी चॅनल्स प्रॉब्लेम्स लाईक कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट, ज्यात आपण मल्टी चॅनल कॉन्फ्लिक्ट स्टडी केला की नाही, तर त्यांना हे प्रॉब्लेम्स पण फेस करावे लागतात. मग बेनिफिट ऑफ दिस कस्टमाइज सेलिंग बाय सेलिंग टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस. ज्या सर्व्हिसेस कशा आहेत टेक्निकली कॉम्प्लेक्स, म्हणजे काय की इझिली तुम्ही असेसिबल ते असणार नाही, तर तिथे तुम्हाला मल्टी चॅनलिंग सॉरी मल्टी चॅनल्सचा यूज करावा लागतो, ते मॅनेज करावे लागतात. भलेही त्यांच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट झाले तर ते आपण रिझॉल्युशन करू शकतो, पण जेव्हा तुम्हाला असं वाटतं की त्या टेक्नॉलॉजीचा वापर केलेला आहे, थोडस कॉम्प्लेक्शन आहे आणि मग मला इथे एकापेक्षा जास्त चॅनल्स वापरावे लागतील, तर टेक्निकल सपोर्ट तुम्ही घेता. टेक्निकल सेल्स फोर्स अँड सिम्पल लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू डीलर्स इन्क्रीज मार्केट कवरेज. तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते कि जो मार्केट है, मार्केट कवरेज है, वो हमारा बढ़िया हो सकता है. तो हम बहुत सारे कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं एट ए टाइम. तो टेक्निकल कॉम्प्लेक्शन की वजह से भी यहाँ पे कभी कभी सेलिंग में ये मल्टी चैनल्स का यूज किया जाता है. ओके ना. हैंडलिंग एथिकल इश्यूज, ये भी एक नया ट्रेंड है. अगर सेल्स पीपल एथिकल इश्यूज, सेल्स पीपल हैव टू बी वेरी मिसलीडिंग द कस्टमर्स, एग्जैगरेटिंग. जैसे हम लोगों ने बताया ना कि एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स अगर बता रहे हैं, तो इस तरह के एथिकल इश्यूज अगर क्रिएट होते हैं तो उसको भी हैंडल किया जाता है इस न्यू ट्रेंड के थ्रू. अदरवाइज दे विल बी आउट ऑफ बिजनेस और मे लैंड अप इन लीगल प्रॉब्लम्स. अगर ये सेल्स मैनेजर क्या करेगा, एथिकल स्टैंडर्ड सेट करेगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती. अदरवाइज क्या हो सकता है कि लीगल प्रॉब्लम हो सकती है आपकी कंपनी के लिए. तो इस तरह की प्रोविजन सेल्स मैनेजर को करना जरूरी है कि
ग्रुप्स को नॉलेज प्रोवाइड करना, उसके लिए एनकरेज करना, लीगल कोड्स बताना, कंपनी के जो प्रोफेशनल कोड है वो भी बताना। सेल्स प्रोफेशनलिज्म फॉलो किया जाता है न्यू ट्रेंड के हिसाब से। तो सेल्स प्रोफेशनलिज्म क्या कहता है? सेलिंग इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन, इंटेंसिव सिलेक्टिव। हमने देखा ना किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रोडक्ट्स को। टुडे सिनेरियो सेलिंग इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन, सोफिस्टिकेटेड कस्टमर, टेक्निकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो प्रोफेशनलिज्म क्यों आया इसमें? टेक्नोलॉजी अगर है तो टेक्नोलॉजी की वजह से हम फास्ट क्या कर सकते हैं, जो भी अपडेट इंफॉर्मेशन है उसे प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर के लिए। तो कस्टमर भी उस तरह का अवेयरनेस उसके अंदर रहता है। सेल्स पर्सन को ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि सेलिंग की सिस्टम किस तरह की होनी चाहिए, कोड्स क्या कहते हैं, कस्टमर किस टाइप का, तो ये सब नॉलेज हम लोग प्रोफेशनली प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे सेलिंग में पूरा प्रोफेशनलिज्म यूज किया जा रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय कंपनी ऑन ट्रेनिंग द सेल्स पीपल, मतलब कि ट्रेन क्यों किया जाता है? पहले तो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड में तो ये सब नहीं था, लेकिन अभी है सेलिंग में। मतलब क्या है कि प्रोफेशनलिज्म की वजह से क्या होगा कि आपका इम्प्रेशन या आपकी इमेज मार्केट में जो बनने वाली है वो अच्छी इमेज क्रिएट हो सकती है, क्योंकि कस्टमर भी उस टाइप का है, उसे भी प्रोफेशनलिज्म चाहिए। ये सेलिंग के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। मिनिमम 7 पॉइंट्स का होना जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चनरी दी है, क्वेश्चनरी के अंदर जितने क्वेश्चन है, एक पॉइंट अभी बाकी है जो लास्ट में मैंने उसका पेज डाला है जो बीच में नहीं आया था। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हमारा जो फोर्थ यूनिट है वो हो रहा है, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रहा है एसडीएम का। तो ये क्वेश्चनरी असाइनमेंट में लिखनी है। क्वेश्चंस कितने है? देखो 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चन के आंसर विद आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं और वो मुझे भी दिखाने हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप पे डालना है। यहाँ पे हमारा एसडीएम का पूरा सिलेबस हो रहा है। ये लास्ट पॉइंट है ये फोर्थ यूनिट का, कंट्रोल ऑफ चैनल। तो किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, ये एक्चुअली रिपीट अगेन है, तो इसके लिए ये हम लोग लास्ट में ले रहे हैं, इसका नॉलेज हमारे पास है ऑलरेडी। द कंट्रोल सिस्टम इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल किस तरह का है देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माउस काम नहीं कर रहा है इसलिए कंट्रोल ऑफ चैनल में क्या कहा है देखो, ये मेरा माउस काम नहीं कर रहा है अभी, मुझे रुकना है इसमें। सो लेट्स सी, कंट्रोल ऑफ चैनल, कंट्रोल और एग्रीमेंट। अभी इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, वेरी सिस्टम एज कंट्रोल डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स सच एज कंट्रोल और एग्रीमेंट। अभी इंस्ट्रूमेंट्स में कंट्रोलिंग के अंदर एग्रीमेंट किए जाते हैं कंट्रोलिंग के लिए, प्रोडक्ट्स को किस तरह से हैंडल करना है, टेरिटोरीज को किस तरह से कवर करना है, कैटेगरीज को और टाइप ऑफ कैटेगरी कस्टमर्स कौन से है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जिसमें इंक्लूड मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप एंड ऑपरेशंस ऑफ चैनल मेंबर्स। द मेजर एलिमेंट्स कवर्ड इन एग्रीमेंट आर एज फॉलोज। तो एग्रीमेंट करते वक्त हम लोग एलिमेंट्स कौन से लेंगे, उसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको, कि जितने सारे ऑपरेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये टेरिटोरी के बारे में पता होना चाहिए किस तरह से कवर करनी है, मतलब कि एक जो सेल्स पर्सन है वो दूसरे की टेरिटोरीज में नहीं घुसना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे बाउंड्रीज का रिस्ट्रिक्शन है ना वो फॉलो करना पड़ेगा। कैटेगरीज और टाइप ऑफ कस्टमर्स, सेलिंग प्राइस एंड मार्जिन्स, सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो एग्रीमेंट के अंदर अगर हमने ये एग्रीमेंट पे साइन किया तो शायद ये कंट्रोल में रख सकते हैं ना हम लोग, यहाँ पे ऑपरेशंस को चैनल मेंबर्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। पेमेंट क्रेडिट मैकेनिज्म किस तरह का होगा, इन्वेंटरी लेवल किस तरह की होगी, तो ये सब इसके अंदर आता है। बजट एंड रिपोर्ट किस तरह से बनाए जाते हैं, रिपोर्ट्स कैन बी वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ये भी मैंने आपको पहले लास्ट इसमें भी हमने लास्ट यूनिट में भी स्टडी किया था। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल बिकम इजी एंड इफेक्टिव। Weekly reports can be short, precise, showing immediate operation results.
monthly and quarterly reports can be more into detail showing targets, okay na? And planning parameters short term or long term. जिस तरह से प्लान बनाया है शॉर्ट टर्म के लिए प्लान है तो उस तरह की प्रोविजन की जाएगी, यानी कि उस तरह का रिपोर्ट होगा, वीकली होगा या मंथली होगा, लॉन्ग टर्म के लिए क्वार्टरली होगा. तो जो फॉर्मेट है आपके पास, उस फॉर्मेट के अंदर आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स तैयार करने हैं. जो रिपोर्ट्स क्या करेंगे कि टारगेट्स के बारे में आपको शो किया जाएगा, आपका टारगेट क्या है, आपके पैरामीटर्स किस तरह के है, और उस हिसाब से आपको क्या करना है कि जो आपका परफॉर्मेंस है वो देखना है. तो ये जो कंट्रोल ऑफ चैनल है तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोविजन की जाती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑडिट भी इस तरह से काम करता है, वो भी हमने अभी अभी ऑडिट में पढ़ा है कि कंपनीज यूज डिस्ट्रीब्यूशन ऑडिट एज मीन फॉर चैनल ऑपरेशंस. मतलब कि यहाँ पे चैनल के जितने सारे ऑपरेशंस है इवेल्युएशन करना है, उनका कंट्रोल करना है चैनल ऑपरेशंस को. इसके लिए नेसेसरी है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन का ऑडिट करना पड़ेगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑडिट इज नॉट लाइक अ फाइनेंशियल ऑडिट, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया है कि बट मोर देन मैनेजमेंट ऑडिट. फाइनेंशियल ऑडिट जैसा नहीं है लेकिन उससे भी इफेक्टिव ये ऑडिट है कि जिसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपको टारगेट्स या रिजल्ट्स लेने चैनल मेंबर्स के थ्रू, तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं इस ऑडिट के थ्रू. तो आइडेंटिफाई किया जाएगा इसके थ्रू, ऑडिट के थ्रू, कि शॉर्टकमिंग्स कौन से है ऑपरेशन में, जैसे कि कमी क्या है जो ऑपरेशंस चैनल मेंबर्स कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी कमी है. तो हम लोग ऑब्वियसली इस पे डिस्कशन करेंगे उनके साथ, रिव्यू लिया जाएगा और इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ एक्शन दी जाएगी. दैट मींस इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑडिट. या तो आपको समझा ही है ऐसा मैंने इमेजिन किया है. यहाँ पे हमारे एसडीएम का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे फ्रेंकली पूछ सकते हैं. तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा कंट्रोल ऑफ चैनल, ये जो कि बीच में था लेकिन लास्ट में मैंने ये डायग्राम दिखाई तो इसकी वजह से लास्ट में हुआ. तो ये 10 क्वेश्चनरी है, इसको आपको सॉल्व करना है और असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं. तो इन सारे इसकी में जो लिंक है नोट्स के लिए वो तो आपको सेंड करूंगी. फिर भी मैं और एक बार आपको बोलती हूँ कि टीवाई का सब्जेक्ट है तो कोई एक ही बुक रेफर करके नोट्स नहीं निकालने, आप दो चार बुक रेफर करो. फिर भी मैं मेरा बुक जो है इसका शेड पब्लिकेशन का, तो उसकी भी लिंक ग्रुप पे भेजने वाली हूँ. ओके, सो थैंक यू सो मच.